हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ क्रिएटिविटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इस रियो प्लांट पे, जो बड़ा ही कॉमन सा प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस समय ये इसके ग्रोथ का टाइम आ रहा है, अभी ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहा था, तो ये थोड़ा सा इसके वर्क करना है, थोड़ी इसकी सूखी सारी पत्तियाँ निकाल दी, इन्हें साफ़ सुथरा कर दें। और ये पफ के द्वारा फैलते हैं। ये देखिए, एक पौधा मैंने लगाया था, पूरा कितना हो गया है ये, इसको भी देखिए। तो इस समय इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा खाद दे दें, ये खाद देने का टाइम है, तो ये 12 महीने आराम से चलेगा। और ये 2 कलर की पत्तियाँ होती हैं इसकी, प्रकृति ने हमें कितने अच्छे रंग कलर दिए हैं, देखिए इस तरफ कुछ है, इस तरफ कुछ है, कितना अच्छा लगता है। इसे वोट लिली भी कहते हैं। इसमें फूल खिलता है, लेकिन जब पुराना पौधा हो जाता है तब खिलता है, तब इसे थोड़ा साफ सुथरा करके और इसे वेल्डन सॉइल दें, थोड़ी सी इस समय इसे खाद दे दें, तो ये फिर दोबारा इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। बस फरवरी में दे दें या सितंबर अक्टूबर में दे दें, उसी से ये चलता रहता है, इसे ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वेल्ड्रिंग सॉइल बनाएं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी में भी गल जाता है, तो वेल्ड्रिंग सॉइल बनाएं। लेकिन इसे सौगी मिट्टी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी पानी नहीं पसंद है, क्योंकि कम पानी से पौधे कम मरते हैं, ज़्यादा पानी से पौधे ज़्यादा मर जाते हैं, इसलिए पानी इसकी मिट्टी को चेक करके दें। ये इंडोर भी बहुत अच्छे से चलता है, बस इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे तो इंडोर बहुत अच्छा चलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता और बहुत ही जल्दी प्रोपेगेट हो जाता है, एक पौधे से बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसे एक बार अपने यहाँ लाएंगे तो फिर इसे दोबारा कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।